नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। सुंदरी साधना, मैंने पहले भी एक वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया था कि जैसे महादेव और माँ भगवती में जब वार्तालाप हुआ था तो तंत्र के बारे में और बहुत सारे विषयों के बारे में महादेव जी ने माँ भगवती को बताया था, उसी तरीके से भैरवी और भैरव देव में जब बात हुआ तो भी बहुत सारा तंत्र का विषय बाहर निकला था। उसी में एक विषय है सुंदरी साधना का। तो तंत्र बहुत ही उलझा हुआ विषय है, तंत्र में ऐसी चीज़ें लगती हैं, ऐसे सामग्री लगते हैं, ऐसे नक्षत्र पे, ऐसे स्थान पर बैठ के तंत्र को करना होता है, तब जाके तंत्र सिद्ध होता है। तो देवी भैरवी ने भैरव देव को बोला कि ये तो आप जो साधनाएं आपकी हैं वो बड़ी जटिल हैं, लाखों लाख साधनाएं करनी पड़ती हैं, एक विशेष नक्षत्र का इंतज़ार करना पड़ता है, एक विशेष स्थान पर जाना पड़ता है, तो कोई ऐसी साधनाएं दीजिए जो कि आम जनमानस कर सके, जो कि आसान हो, बिल्कुल जिस तरीके से मंत्र की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन महादेव की तरह भैरव जी सरल नहीं है, उन्होंने बोला कि ऐसी कोई साधना नहीं होती जो सरल हो, साधनाएं हमेशा कठिन होती है, टेक्निकल होती है, नहीं तो कोई भी कर लेगा। अच्छा, इसी बात पर मुझे ध्यान में आया, मुझे किसी ने मेल किया था, मेल में उन्होंने मुझे बोला था कि भैरव की साधना बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन भैरव साधना में सफलता नहीं मिली। देखिए, भैरव देव जी की साधना जो होती है ना, उन्होंने बोला कि मैंने जो जो तरीका बताया था उसी तरीका से वो पूजा भी कर रहे हैं लेकिन सिद्ध नहीं हो रहे। तो आपको दो तीन विषय मैं पहले बताता हूँ, क्योंकि सुंदरी साधना भैरव तंत्र का एक भाग है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि काल भैरव या भैरव जी का पूजन यंत्र कैसे बनता है। तो उसमें एक ट्रायंगल बना करके ऊपर रिम, उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में कुम, आपके राइट हैंड कॉर्नर में वंग लिखते हैं और बीच में रिम लिखते हैं। उसके बाद अलग अलग स्थान पर तेल में उड़द के बड़े, एक तरफ गुड़, दही, मद्य, भुनी हुई मछली, ये सब रखते हैं तो उनका एक यंत्र बनता है। इस यंत्र पे ही भैरव जी की पूजा होती है अगर तांत्रिक विधि से कर रहे हैं। दूसरा विषय, भैरव जी का जो पूजा होता है उसमें बहुत सारा तरीका है, क्योंकि भैरव जी का एक ही मंत्र, जैसे आप लोग बोलते हैं मारन के लिए मंत्र दीजिए, मोहन के लिए मंत्र दीजिए, उच्चाटन के लिए मंत्र दीजिए, भैरव जी का एक ही मंत्र बहुत तरह का कार्य में प्रयोग होता है। आपके संकल्प और संख्या और उसके बाद आप लोग किस तरीके से आहुति दे रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका जो साधना है उसका रिजल्ट क्या होगा। तो क्या क्या करना होता है, जैसे कि अच्छा, और एक विषय था कि भैरव जी की जब आप साधना करते हैं तो सिर्फ भैरव की साधना नहीं हो सकती है, भैरव के साथ भैरव की चेटकियाँ भी होती हैं, उनकी साधना होती हैं। अभी जैसे सुंदरी की साधना हम बता रहे हैं आपको, तो सुंदरी होती हैं, उनके साथ फिर देवी भैरवी होती हैं, तो हर भैरव की एक भैरवी होती, उनकी साधना होती है। तो जब तक पूरे परिवार को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक भैरव जी सिद्ध नहीं होंगे। एक विषय यह कि भैरव की पूजा से पहले अष्ट वीरों की भी आपको उपासना करनी होती है। उपासना नहीं, मतलब आपको अष्टवीरों का आवाहन करके अष्टवीर को जो भी आपने नवेद रखा है, जो मद रखा है, वो उनको देना चाहिए। तो अष्टवीर में कौन कौन होते हैं, इन नामों को आप लिख लें। अष्टवीर होते हैं व्योम बाहु, व्योम केश, व्योम व्यापक, चंड प्रचंड, उर्दकेश, भीषण और अभीषण। ठीक है, तो ये अष्ट जो वीर हैं, अगर आप इनको नहीं बुलाइएगा भैरव या भैरव से रिलेटेड किसी भी साधना में, इनको अगर बुला करके आप निमंत्रण दे करके आप भोग नहीं देंगे तो ये आपका जो भी मनोरथ है उसको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इन आठों को बुलाइए, उसके बाद भगवती को भोग दीजिए, उसके बाद जो इनके गण हैं उनको भोग दीजिए और तब भैरव की पूजा शुरू कीजिए। यंत्र बनाइए, यंत्र पर पूजा शुरू कीजिए। यंत्र पर पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर भैरव का मतलब किस रूप के आप भैरव की पूजा कर रहे हैं उसी हिसाब से उनका रूप बनाइएगा। जैसे मैंने जो यंत्र बताया था वो काल भैरव का था, उसी तरीके से स्वर्ण भैरव का अलग होता है,
उसके बाद आपको कपाल भैरव का अलग होता है, हर भैरव का एक अलग यंत्र बनेगा। तो जैसे अगर वशीकरण आपको करना है तो मधु से आप हवन करिएगा, ठीक है। आपको रोग नाश करना है तो औषधि से हवन कीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्त करना है तो पुष्प से और बेलपत्र से हवन कीजिएगा। बेलपत्र से हवन से यश की प्राप्ति भी होती है। अगर लॉटरी में सफलता चाहते हैं तो कमल के फूल से जो है आपको हवन करना चाहिए। पुत्र प्राप्त करना है तो कमल के फूल से आपको हवन करना चाहिए। स्तंभन करना है तो नमक से आपको आहुति देनी होगी। धन वैभव बढ़ाना है तो घी लीजिए, चीनी लीजिए, तिल लीजिए, चावल लीजिए और इससे हवन कीजिए। इसी तरीके से जैसे वशीकरण करना है, वशीकरण बहुत लोग पूछते हैं, तो आपने भैरव सिद्ध कर रखा है तो फिर मधु और नमक को मिला के उससे अगर आप हवन कीजिएगा तो वशीकरण हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अष्टवीर, आप में से बहुत लोग अष्टवीर के बारे में नहीं जानते होंगे, तो आज जैसे सुंदरी की साधना करें तो सुंदरी साधने से पहले भैरव की साधना करना अनिवार्य है। तो अब बताता हूँ कि आपको सुंदरी की साधना कैसे करनी है। सुंदरी की साधना, जितनी सुंदरियाँ होती हैं उसमें मुझे लगता है लगभग सभी सुंदरियों की साधना नदी के तट पे होती है, और ज़्यादातर ऐसे तट पर होती है जहाँ पे दो नदियों का संगम हो। तो सबसे जो सरल है वो है सर्व सुंदरी साधना। उसका मंत्र होता है ओम सुंदरी हुम, ओम सुंदरी हुम। तो किसी भी नदी के पास जाइए जो थोड़ा साफ सुथरा हो, वहाँ पर गंढोक से एक मंडप बनाइए, उसको सफ़ेद फूल चढ़ाइए और चंदन का अर्घ दीजिए और गुलाल का सॉरी गूगल का जो है वहाँ पर धूप दीजिए। उसके बाद जो मंत्र बताया उसका 8,000 जाप करिएगा तो जो सुंदरी है वो प्रसन्न हो जाएगी। उसके बाद जब भी आपको उनसे काम लेना हो तो आप संकल्प लेकर के 1,000 जाप कीजिएगा, वो हो जाएंगी। उसके बाद आती है कुल सुंदरी। तो कुल कुल सुंदरी का मंत्र है ओम महाभूत कुल सुंदरी हुम, ओम महाभूत कुल सुंदरी हुम। तो इनकी साधना आप ऐसी नदी के साइड में कर सकते हैं जहां पर दो नदियों का संगम हो रहा हो, ठीक है। तो जहां दो नदियों का संगम हो रहा है उसी के किसी चट्टान पर जाकर के बैठ जाइए और उसको साफ पहले कर लीजिए। फिर लाल चंदन से एक मंडप बनाइएगा जमीन पे। जैसे सुंदरी साधना में गंढोक से मंडप बना, मंडप बनाने का मतलब मत समझ लीजिएगा आपको शादी का मंडप बनाना। मंडप बनाने का मतलब होता है बैठने का स्थान, उसका जो डिजाइन होता है जो रंगोली की तरह बनता है वो, ठीक है। तो लाल चंदन से आपको वो बनाना है। उसके बाद उसको उसमें अगरबत्ती चढ़ाइए, पुष्प दीजिए, हाँ। और गूगल देखिए, भैरव से रिलेटेड जितने भी देवी देवता हैं, जितने उनके चेटक हैं, जितने सेवक सेविकाएं हैं, क्योंकि भैरव जी को गूगल पसंद है तो गूगल का ही हर जगह आपको धूप दिखाना होता है, और चमेली का तेल जो है उसका दीपक होता है। और जो मंत्र आपको बताया ओम महाभूत कुल सुंदरी हुम, इसका 8,000 जाप कीजिएगा तो फिर कुल सुंदरी सिद्ध हो जाएंगे, और फिर उनसे जब आपको काम लेना है तो 1,000 जाप कीजिएगा। तो इतना सरल है, ये सरल इसलिए है क्योंकि भैरव जी ने देवी भैरवी के कहने पे सरल तंत्र आम जनमानस के लिए दिया, ठीक है। फिर एक और मंत्र है कुल सुंदरी का, ओम फट फट हुम रिम कुल सुंदरी हुम फट स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम फट फट हुम रिम कुल सुंदरी हुम फट स्वाहा। इसमें भी वही आपको करना है कि लाल चंदन से भूमि पे मंडप बना लीजिएगा। इसमें नवेद में आप दही और अन्न मतलब चावल जो होता है उससे इनविटेशन दीजिएगा, ठीक है, और 8,000 बार जप कीजिएगा, ठीक है। इसका 7 दिन तक आपको लगातार जाप करना है। 8वें दिन देवी कुल सुंदरी प्रत्यक्षीकरण देती हैं, ठीक है। जब देवी आपको प्रत्यक्षीकरण दे तो चंदन रखिएगा, चंदन को घिस करके एक अर्घ में रखिएगा और उनको सामने से दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि आप मात्र इस रूप में मेरे साथ रहिए, ठीक है। तो
ये एक तरीका है कुल सुंदरी की साधना का। इसके बाद आती है मधु मत सुंदरी, इनका मंत्र है ओम मधु मत सुंदरी स्वाहा ह्रीम, ओम मधु मत सुंदरी स्वाहा ह्रीम। ठीक है, तो इनका जब साधना करते हैं तो भैरव मंदिर में आप इनका साधना हो सकता है। जो सफेद चंदन होता है उससे आप जमीन पर मंडप बनाइए, ठीक है, और कनेर का फूल से उसकी पूजा कीजिए गूगल का धूप देते हुए। इसका भी 8,000 जाप करने से देवी प्रसन्न हो जाएगी। दूसरे दिन फिर जाइए, फिर 1,000 जाप कीजिए, दूसरे दिन भगवती प्रत्यक्षीकरण देगी। उस समय कनेल के फूल से भगवती की फिर से पूजा कीजिएगा और उनका स्वागत कीजिएगा, और जो मन हो वो उनसे मांग लीजिएगा। मांगना ऐसे यही चाहिए कि मातृ स्वरूप में आप मेरे साथ रहिए। इसके बाद जो अगली सुंदरी है वो भूषण सुंदरी है। तो भूषण सुंदरी का मंत्र बहुत ही सरल है। भूषण सुंदरी का मंत्र है ओम भूषण सुंदरी क्लिम, ओम भूषण सुंदरी क्लिम। इनकी साधना नदियों के का जो संगम होता है वहां पर जाइए और सिंदूर से मंडप की रचना कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी उग्र है ये भगवती। जैसे सिंदूर आया तो समझ जाइए कि जिन भगवती की पूजा में सिंदूर लगे वो उग्र भगवती होती है। भगवती ऐसे भगवती, देखो भगवती उग्र ही होती है लेकिन उनका अलग अलग भाव होता है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को उच्छिष्ट के बारे में बताया था, ठीक है, और बहुत सारी विद्याओं के बारे में बताया था। उसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि भगवती का एक रूप है जिस जो विपरीत स्वभाव का है, मतलब जो भी चल रहा है उससे विपरीत होती है भगवती, जिसको प्रत्यंगिरा नाम दिया गया बाद में। तो भूषण सुंदरी जो है वो उग्र है, सुंदरियों में उग्र है, इनका थोड़ा सा जो चरित्र है वो उग्र है, तो इसीलिए सिंदूर से इनका मंडप बनाते हैं। फिर इनको जैसे और में भोग लगाया, इनमें जो है बकरे के मांस का भोग लगाते हैं और कनेर का पुष्प जो है भगवती को देते हैं। उसके बाद जो है गूगल से धूप जलाइएगा, जैसे हमेशा जलाते हैं, भैरव के हर पूजा साधना में गूगल का धूप जलेगा। 8,000 जप कीजिएगा इसका, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद दूसरी रात कुछ और भगवती के लिए जो श्रृंगार सामग्री होता है, घी का दीपक होता है, फिर 1,000 जाप करिएगा। ऐसे करने से भगवती आती हैं लेकिन ये भगवती साक्षात नहीं होती, क्योंकि इनकी शक्ति को लोग अपने अंदर समाहित नहीं कर पाते हैं। तो इनकी आपको ध्वनि सुनाई देगी और आपको तब समझ लेना है कि भगवती आ गई हैं। तो ये हो गई सुंदरी साधना भैरव तंत्र में। इसमें तीन साधनाएं ऐसी हैं जिसमें कि सुंदरी प्रत्यक्ष होगी। तो गुरु के से आज्ञा लेकर के पहले भैरव जी की साधना कर लें, उसके बाद एक सुंदरी की आप साधना कर सकते हैं। एक सुंदरी की साधना करने से ये होता है कि आपका जो भी कार्य है, जो अटकता हो या कहीं आपको वशीकरण का जरूरत हो, कहीं आपको लगे कि मेरा काम नहीं बनने वाला है या किसी की आपको मदद करनी हो, तो आप सुंदरी को बोल करके वो काम करा सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा सटकर्म नहीं, लेकिन बहुत सारी साधनाएं आप सुंदरी को बोल के करवा सकते हैं। बाकी तो भैरव जी हैं ही। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों में से कुछ तो सुंदरी साधना जरूर करें। दूसरा साधना शिविर होने वाला है शिवपुरी में 13 14 जुलाई को। जिसको भी आना है वो वेबसाइट पे जाके एनरोलमेंट करवा ले। जिनको साधना का बेसिक रहस्य जानना है वो और मंत्र सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। इसके अलावा जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है वो मेरी किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। पूरे विश्व में मिलता है। मेरा वेबसाइट है www.अघोरतंत्ररहस्य.xyz। इसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है, मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।